भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी है। इसी बीच बालोद जिले के डोंडी लोहारा क्षेत्र में भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के पुत्र द्वारा अवैध शराब बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने भाजपा नेता के पुत्र को शराब बेचते रंगे हाथों पकड़ा है। बालोद जिले के डोंडी लोहारा क्षेत्र में भाजपा जिला महामंत्री देवेंद्र जायसवाल के पुत्र अनुराग जायसवाल को पुलिस ने अवैध शराब बेचते पकड़ा है। पुलिस ने उसके पास से 24 देशी पौआ बरामद कर उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। ये थाना डोंडी लोहारा पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि ये अनुराग जायसवाल जो प्रगति नगर स्कूल के पास अवैध शराब बेच रहा है, इस पे पुलिस ने उसको पकड़ा था। उसके कब्जे से 4.3 लीटर देसी शराब जब्त किया था और बिक्री रकम 200 रुपए जब्त किया था। भाजपाई विधानसभा के मॉनसून सत्र में शराबबंदी की मांग को लेकर हो हल्ला मचा हुआ है। वहीं उनके विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता का पुत्र अवैध शराब बेचने में लिप्त है। इस तरह के मामले से उनकी दो मुही नीति सामने आ रही है। विधायक कुंवर सिंह निषाद ने अवैध शराब बिक्री में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। अभी हमारा मानसून सत्र चल रहा था, उस मानसून सत्र में भाजपा के वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा शराबबंदी को लेकर बहुत ही होल्लर कोहराम मचाया गया। सदन से आवाज़ उनकी आई कि शराबबंदी होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की सरकार शराबबंद क्यों नहीं कर रही। हमने उनसे पूछा, जब समिति में सदस्य के नाम के लिए जब आपकी पार्टी से नाम मांगे तो आप लोग क्यों नहीं दे रहे, और उसके बाद ये तो बात अलग होगी। और अभी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चला कि भाजपा के वरिष्ठ और जिम्मेदार पदाधिकारी के पुत्र के द्वारा ये शराब के अवैध धंधे में लिप्त होना पाया गया। तो ये दो तरफ से इनकी जो बातें होती है, दो तरफ से इन लोग चलते हैं। पहले अपने आप को ये साबित कर ले कि हम लोग पाक साफ हो, उसके बाद शराबबंदी के ऊपर बात करें। और यदि शराबबंदी की बात कर रहे हैं तो मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, जिसके भी पुत्र है, जिसके परिवार इस अवैध धंधा में लिप्त हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए।